एल्डिहाइड और कीटोन बनाने की विधि में नेक्स्ट है एल्काइनों के जल योजन द्वारा एल्काइन तनु व गर्म H2SO4 तथा मर्क्यूरिक सल्फेट की उपस्थिति में जल के एक अणु के साथ योग करती है और एल्डिहाइड कीटोन बनाती है। इस क्रिया से मिथेनल नहीं बना सकते। तो सबसे पहले एल्काइन की रिएक्शन करवा रहे हैं हम जल के साथ, क्योंकि ओरल जो भी रिएक्शन होगी उसमें जल का वन मॉलिक्यूल ही ऐड होता है और ये मार्कोनिकोफ रूल से रिएक्शन होगी। इसमें मध्यवर्ती अवस्था में इनोल बनता है जो बाद में रीअरेंजमेंट होकर के या पुनर्विन्यासित होकर के कीटोन या एल्डिहाइड, जिसको हम सम्मिलित रूप से कार्बोनिल कंपाउंड कहते हैं, बना लेता है। अब इसके एग्जांपल देखते हैं अपने CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH। तो जब किनारे पर ट्रिपल बॉन्ड होता है उस कंडीशन में अगर हम देखें तो मार्कोनिकोफ नियम से ही क्रिया होगी। इथाइन एक ऐसा एग्जाम्पल है या इकलौता एग्जाम्पल है जिसमें एल्डिहाइड बनता है। शेष कोई भी एल्काइन लेंगे तो कीटोन ही बनेगा, जैसे 1-प्रोपाइन इससे कीटोन बनेगा, 2-ब्यूटाइन इससे भी कीटोन बनेगा। तो मुख्यतः कीटोन बनाने की ये विधि है। सामान्य क्रिया RC CH+HOH Hg+2 की प्रेजेंस और लगभग 80 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। यहाँ पर क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड या त्रियाबंध जो होता है उसकी जो शेप होती है वो बेलनाकार होती है, सिलेंडर टाइप से होती है और यह बहुत ही स्थायी होती है। इसको तोड़ना या इसको तोड़ने के लिए हमें कैटलिस्ट की आवश्यकता होगी। तो इसमें Hg+2 या मर्क्यूरिक आयन महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। इस क्रिया में डाइल्यूट या तनु सल्फ्यूरिक अम्ल लेंगे जो HOH यानी वाटर का एक सोर्स होगा। अब यहाँ पर अगर हम देखें कि बेलनाकार सममिति इस टाइप की होगी ट्रिपल बॉन्ड की और ये बहुत ही स्टेबल होती है, स्थायी होती है, तो इसको सामान्य परिस्थितियों में नहीं तोड़ सकते हम। त्रियाबंध में 1 σ 2 π बंध होता है तो सबसे पहले 1 π बंध टूटता है, 2 σ बंध बनते हैं। वाटर में H पार्शियल पॉजिटिव, OH पार्शियल नेगेटिव, तो यहाँ पर OH जिस कार्बन पर या जिस ओलिफिनिक कार्बन पर H कम होता है वहाँ पर OH ग्रुप ऐड होगा और जिस ओलिफिनिक यानी CH जिसको हम डबल बॉन्ड वाला कार्बन कह सकते हैं वहाँ पर H, क्योंकि वहाँ पर पहले से ही H अधिक है।
इस प्रकार मार्कोनी का नियम से क्रिया होगी। अब इसका रीअरेंजमेंट होगा इनोल का, और ऐसा होने पर ये जो पाइबन है वो सी और ओ के बीच में आ जाएगा और ओ एच का एच सी एच पर ट्रांसफर हो जाएगा। तो इस प्रकार आर सी ओ सी एच थ्री। अगर यहाँ आर की जगह एच लेंगे हम तो ये एल्डिहाइड बन जाएगा, जैसा कि एथाइन की बात कर रहे थे अपने। और अगर ये आर एल्किल या मेथिल एथिल ग्रुप होगा तो कीटोन बनेगा। क्रीनियार अभिकर्मक द्वारा, क्रीनियार अभिकर्मक की सहायता से भी हम एल्डिहाइड कीटोन बना सकते हैं। इसके लिए मैंने अलग से भी वीडियो बनाया है, वो भी आप देख सकते हो, जो केवल क्रीनियार अभिकर्मक को लेकर के जितने भी यौगिक बन सकते हैं वो सब बनाए हैं। तो यहाँ पर क्रीनियार अभिकर्मक की जो रिएक्शन है वो अम्ल व्युत्पन्न जैसे एस्टर, ऑयल हैलाइड, एमाइड, आरसीएन यानी कि नाइट्राइल, यदि इनसे होती है तो हमें कार्बोनिल यौगिक मिलेगा, वाया योगोत्पाद यानी मध्यवर्ती योगोत्पाद बनेगा इसमें। और ये जो रिएक्शन होती है वो नाभिक से ही योगात्मक क्रिया होगी। तो इस क्रिया में कार्बोनिल कंपाउंड बनेंगे, इसके लिए हम पहला एग्जांपल ले रहे हैं RMGX, RMGX यानी एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड, जो भी होगा ग्रीनियार अभिकर्मक, उसमें RH नहीं होना चाहिए। अगर हम अम्ल व्युत्पन्नों को R'COZ माने तो Z अगर Cl है तो ऑयल हैलाइड हो जाएगा, ZnH2 है तो एमाइड होगा, और Z अगर OC2H5 है तो वह एस्टर होगा। तो यहाँ पर MGX ग्रीनियर का जेड ग्रुप को ले जाएगा। जेड ग्रुप Cl(NH2) OC2H5, तो MGX को जेड मिल जाएगा और RCOR' ये कार्बोनिल कंपाउंड अपना बन जाएगा। तो ये घटना तब होगी जब 1 मोल ग्रीनियार अभिकर्मक और 1 मोल अम्ल व्युत्पन्न होगा तो हमें कीटोन या एल्डिहाइड एज ए प्रोडक्ट मिलेगा। यदि हमें ग्रीनियार अभिकर्मक का आधिक्य दिया गया है, जैसे 1 मोल ग्रीनियार और ऐड कर दें हम, तो ग्रीनियार का Mg पार्शियल पॉजिटिव होता है और R नेगेटिव होता है पार्शियल। CO ग्रुप C पार्शियल पॉजिटिव, O पार्शियल नेगेटिव, तो CO का पाई बॉन्ड ब्रेक होगा। एक पाई बॉन्ड ब्रेक होता है तो 2 सिग्मा बनेंगे, एक तो C पर एक O पर। अब ये जो C पर ग्रीनियार का R आ जाएगा और ऑक्सीजन पर MgX, ओ MgX जो बॉन्ड होता है वो आयनिक बॉन्ड होता है,
इसको हम जल जल में लेंगे तो अम्लीय माध्यम में जल लेंगे तो MgX जल का OH लेकर अलग हो जाएगा और ऑक्सीजन नेगेटिव उसको जल का H मिल जाएगा। इस प्रकार हमें 3 डिग्री अल्कोहल मिला। इस 3 डिग्री अल्कोहल में अगर हम देखें तो ये जो पिंक कलर का पार्ट है RCO ये तो मिला हमें अम्ल व्युत्पन्न से, और ब्लैक जो R शो कर रखे हैं दो वो मिला हमें ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के 2 मोल से। तो ये दोनों आ रहे हैं, ये तो है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से मिले अपने को, और ये जो पिंक वाला पार्ट जो मिला RS ये मिला हमें टोटली अम्ल व्युत्पन्न से, जिसको मैंने ऑरेंज किया है ये अम्ल व्युत्पन्न से हमें मिलेगा। इसी प्रकार हम ये एग्जाम्पल लिया, उसको करके देखें। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक एल्केन नाइट्राइल के साथ क्रिया करेगा तो कीटोन बनाएगा, तो हम यहाँ पर मेथिल मैग्नीशियम क्लोराइड लेते हैं जिसकी रिएक्शन प्रोपेन नाइट्राइल से करवाते हैं। CN का ट्रिपल बॉन्ड को हमने ध्रुवित कर लिया है, कार्बन पार्शियल पॉजिटिव, नाइट्रोजन पार्शियल नेगेटिव, ग्रिग्नार्ड का कार्बन यानी CH3 नेगेटिव है और Mg पार्शियल पॉजिटिव। तो सबसे पहले प्रोपेन नाइट्राइल का पाई बॉन्ड ब्रेक किया, 2 सिग्मा बन गए, एक C पर एक N पर, तो C उस पर तो आ जाएगा ग्रिग्नार्ड का CH3 और N पर MgCl, क्योंकि N है वो नेगेटिव है, MgCl पॉजिटिव पार्ट। ये जो CH3 है इसको हम नाभिक से नहीं कह सकते, ग्रिग्नार्ड के ऊपर स्थित है, तो ये मेथिल समूह C यानी कि CN के C पर अटैच हो जाएगा। इसके बाद में इसका करते हैं अम्लीय जल अपघटन, तो C डबल बॉन्ड N इस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे हम, तो ये अम्लीय माध्यम में जल अपघटन होगा, तो CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड पर ऑक्सीजन आ जाएगा वाटर का, और उधर N की दोनों वैलेंसी पर H आ जाएगा। तो जब भी हमें C डबल बॉन्ड N मिले तो इस प्रकार आपको उसका बॉन्ड ब्रेक करना है, तो इस तरह कीटोन मिल गया, इसको ब्यूटेन 2-ओन कहेंगे। नाइट्रो एल्केन से इसको हम नेफ अभिक्रिया कहते हैं। नाइट्रो एल्केन की अभिक्रिया पहले हम क्षार से करवाएंगे। नाइट्रो एल्केन अपने आप में अम्ल की भांति व्यवहार करती है, तो एक्चुअल में ये अम्ल क्षार क्रिया है जिससे लवण बनेगा। इस क्रिया में प्राथमिक नाइट्रो एल्केन से एरिडेट मिलेगा जबकि द्वितीयक नाइट्रो एल्केन से कीटोन मिलता है, तो ये हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं प्राथमिक नाइट्रो एल्केन का CH3CH2NO2। यहाँ अल्फा कार्बन पर 2H है, तो NO2 ग्रुप का इलेक्ट्रॉन विड्रा यानी इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करने का
आकर्षित करने का एक स्वभाव होता है, जिससे अल्फा कार्बन का एच अम्लीय नेचर का हो जाएगा और हम NaOH यानी बेस से रिएक्शन करवाएंगे तो लवण बनेगा और जल बनेगा। तो हम जल बनाते हैं इससे पहले, तो अल्फा एच और NaOH का OH, तो H2 को रिप्लेस कर दिया और जो बाकी बचा वो बन जाएगा साल्ट यानी कि लवण। अब इस लवण को हम रीअरेंज करेंगे, तो एक बार मैं Na+ को हटा देता हूँ यहाँ से और इसका रीअरेंजमेंट यानी पुनर्विन्यास करता हूँ। तो Na+ को एक बार हटा दिया, ये जो दो इलेक्ट्रॉन है इसको C और N के बीच ट्रांसफ़र करूँगा और N डबल बॉन्ड O का ऑक्सीजन पाई इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेगा। इस तरह इलेक्ट्रॉन का मोमेंट शो करना है तो रिजल्ट मिलेगा CH3CH डबल बॉन्ड N। कोऑर्डिनेट बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड O और माइनस। ये जो हमें एक ऑक्साइड मिला इसमें C डबल बॉन्ड N है। अब हम करेंगे इसका जल अपघटन, तो अम्लीय माध्यम में जल अपघटन होगा तो C डबल बॉन्ड N बंद को हम कट करके C को दे देंगे हम ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड हो जाएगा ना CO, तो इस तरह CH3CHO बन जाएगा। इसी तरह 2 डिग्री नाइट्रो एल्केन से कीटोन, जबकि 3 डिग्री नो रिएक्शन। अब ये नाइट्रोमेथेन इसको हम थोड़ा हाईलाइट कर लेते हैं, CH3NO2, यहाँ NO2 इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट कर रहा है, आकर्षित कर रहा है, अल्फा कार्बन पर एच पार्शियल पॉजिटिव हो जाएगा। ऐसा होने पर इसका बिहेव अम्लीय हो जाएगा। अब हम क्षार से रिएक्शन करवाएंगे NaOH, तो लवण और जल यानी साल्ट प्लस वाटर मिलेगा, तो एसिडिक एच और NaOH का OH H2 बन गया और शेष CH2-NO2। अब ये रीअरेंजमेंट होगा जो अभी करवाया था हमने, तो CH2 डबल बॉन्ड NO-, तो ये बन गया मध्यवर्ती। अब ऐसा कर दें जल अपघटन, तो CH2 डबल बॉन्ड O बन जाएगा। इस प्रकार हमें फॉर्मेल्डिहाइड मिला और 2 नाइट्रो से एसीटोन। जेम डाइहैलाइड के जल अपघटन द्वारा, जेम डाइलाइड का जल अपघटन जलीय KOH द्वारा करने पर एल्डिहाइड या कीटोन मिलेगा। जेम मीन्स जुड़वा। एक कार्बन पर 2 समान हेलोजन समूह होता है तो उसको हम जेम हैलाइड कहेंगे। तो CH3CH Cl2, यहाँ 2 KOH लेंगे हम तो Cl रिप्लेस होगा। हमें पता है एक्वस KOH Cl को हटाता है, OH लगा देता है, तो जब भी Cl को रिप्लेस करना हो, OH ऐड करना हो, तो एक्वस KOH काम में लेना चाहिए। तो एक C पर 2 OH ग्रुप आ जाएंगे, H2 रिप्लेस होगा तो CH3CHO बन जाएगा। इसी प्रकार 2-2 डाइक्लोरोप्रोपेन से हम कीटोन बना सकते हैं। ग्लाइकोल के ऑक्सीकरण द्वारा, ग्लाइकोल का ऑक्सीकरण पर आयोडिक अम्ल या लेड टेट्राएसीटेट से कैसे करते हैं, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। जब हमको हमारे को ग्लाइकोल दिया हो,
यानी निकटवर्ती कार्बन पर OH समूह दिया हो, तो हम किस प्रकार से ऑक्सीकरण करेंगे? तो यहाँ पर एक मैं बड़ा एग्जांपल ले रहा हूँ, सोर्बिटोल या मैनिटोल का। तो सबसे पहले कार्बन कार्बन OH ग्रुप यानी डायोल फॉर्म में है, सब ये ग्लाइकोल फॉर्म में है, तो C और C के बीच में आप बॉन्ड काटने का संकेत कर दो। तो इस तरह से हम बॉन्ड ये ध्यान रहे कि हमें ये एरो तभी लगाना है जब दोनों तरफ OH ग्रुप हो। अब फर्स्ट कंडीशन में हमने सब बंद को कट कर दिया ना, अब कट करने के बाद इसको लिख लेते हैं। तो इस प्रकार देखो, ये हमारे पास कट पीस आ गई। अब जो वैलेंसियाँ लग रही है कि ये खाली पड़ी है जो कट के आई है, उस पर OH ग्रुप ऐड कर दो। और ये है कि जिस सी पर दो OH हो गए, वहाँ से H2O निकालेंगे हम, तो हमारा फाइनल प्रोडक्ट आ जाएगा। जैसे यहाँ से H2O, क्योंकि एक कार्बन पर दो OH ग्रुप होने पर ऐसे अणु अस्थायी या अनस्टेबल होते हैं। तो इस प्रकार हमें दो अणु मिले फॉर्मेडिहाइड के और चार अणु मिल गए फार्मिक अम्ल के। तो 1 मोल सोर्बिटोल का पर आयोडिक ऑक्सीकरण होने पर दो अणु फॉर्मेडिहाइड और चार अणु फॉर्मिक अम्ल के मिलेंगे। स्टीफेन अभिक्रिया एल्केन नाइट्राइल के अपचयन से, यह एल्केन नाइट्राइल का अपचयन करने की एक विधि है, लेकिन इसमें आंशिक अपचयन होगा। उसके बाद हम इसका जल अपघटन करके एल्डिहाइड बना सकते हैं। तो RCN, इसका हम करेंगे आंशिक अपचयन यानी पार्शियल रिडक्शन। इसके लिए स्टेनस क्लोराइड और HCl का यूज़ करते हैं। कुल मिलाकर के CN ग्रुप है वो CHO में कन्वर्ट होगा। देखते हैं कैसे होगा। RC(NN) प्लस 2H SnCl2 प्लस HCl से हमें 2H मिला। अब इसका पाई बॉन्ड ब्रेक कर देते हैं हम, तो 1 पाई बॉन्ड ब्रेक होगा तो हमें मिलेगा 2 सिग्मा बॉन्ड। तो RC डबल बॉन्ड एन, दोनों पर एच ऐड कर दें तो ये हो गया एल्डिमीन। इस एल्डिमीन का हम करेंगे अब जल अपघटन। क्योंकि इसकी नेचर क्षारीय होती है, एन पर इलेक्ट्रॉन पेयर है, तो ये तुरंत HCl से रिएक्शन करेगी और ऐसा होने पर ये साल्ट फॉर्म में भी इसको बना सकते हैं। लेकिन अभी आप सी डबल बॉन्ड एन बॉन्ड को काट दें तो RC(OH) यानी एल्डिहाइड बन जाए, एल्डिहाइड बन जाएगा इसमें।
एक कन्वर्जन करते हैं हम CH3Cl, इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं हम KCN से। तो जब इसकी रिएक्शन KCN से होगी तो ये नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन रिएक्शन होगी, Cl हट जाएगा और CN ऐड होगा, तो CH3CN। इसकी रिएक्शन हम कराएंगे SnCl2 प्लस HCl और जल अर्गन, यानी कि अभी जो रिएक्शन थी स्टीफन क्रिया उससे हम ये कन्वर्जन कर सकते हैं। रोजनमुंड अपचैन